हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो बन रही है, तकरीबन एक महीने का गैप तो हो ही गया होगा। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा ऑपरेशन था, इस वजह से वीडियो आना तो संभव था ही नहीं। लेकिन उस ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं से अब मैं ठीक हूँ और कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू आए। तो आज की वीडियो जो है वो अक्वेरियस कुंभ राशि पे है। कुंभ राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी आने वाले टाइम में लव लाइफ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी है, लेकिन वो पेड है, फ्री नहीं है रीडिंग। तो सोच समझ कर ही व्हाट्सएप पे आइए। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि, जो अपने पार्टनर की फीलिंग अपने लिए जानना चाहते हैं, इस टाइम पे उनके पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप, एक्वेरियस, सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि आपके पर्सन बहुत उदास हैं और आपको याद कर रहे हैं। आपके पर्सन पास्ट की चीजों में ज्यादा उलझे हुए हैं, प्रेजेंट में कम है। कुछ चीज है जो आपके पर्सन के माइंड में जो अटकी पड़ी है, अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, किसी मुद्दे पे बहस हो गई है तो वो आप ही के बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। अदरवाइज कुछ बहुत पुराना, जिसको कहते हैं कि आदमी उदास होता है और याद कर रहा होता है और उसका पूरा फोकस अपने पास्ट के किसी इंसिडेंट के ऊपर होता है, इस टाइम पे वो सिचुएशन आपके पर्सन की बनी हुई है। स्टार का कार्ड है आगे, आप उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। आपके पर्सन भी इस चीज के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी चीज, जो चीजें खराब थी या किसी भी तरीके का अगर कुछ भी गलत था तो वो बीत जाए और आगे चीजें जो हैं वो खुशियों भरी हों, उम्मीदों भरी हों और आगे सब कुछ लाइफ में बेटर हो, अच्छा हो। चलिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आगे रिश्ता जो है कमिटमेंट में बदल जाए, विक्ट्री में बदल जाए। अगर आप लोग मैरिज चाह रहे थे, एक दूसरे से कमिटमेंट चाह रहे थे, तो आपके पर्सन का मूड जो है 100% है, पॉजिटिव है। बस इस टाइम पे सिचुएशन जो है वो उदासी भरी बनी हुई है। हो सकता है कि आपके साथ में कोई बहस हो गई हो या कुछ सिचुएशन इस टाइप की बनी हुई हो कि वो याद कर रहे हों। बाकी फीलिंग बहुत अच्छी है, एक्शन का मोड आपके पर्सन का बहुत अच्छा है, तो आपके पर्सन की तरफ से चीजें आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। और आपके और आपके पर्सन की दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कार्ड निकालेंगे कि आप दोनों एक्चुअली क्या सोचते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार फोर ऑफ कप को भी क्लियर करना चाहूंगी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप को क्लियर कीजिए। फोर ऑफ कप के लिए फोर ऑफ कॉइन रिवर्स में आया है। कोई जॉब करियर का मामला हो सकता है, कोई पैसे का मामला हो सकता है कि जिस टाइम, इसलिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी चीज में स्टक हों या रुके हुए हों और उससे अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। पहले मुझे लगता है कि काफी ओवर पोजेसिव आपके पर्सन होंगे अपने करियर या पैसे को लेके, तो अब उससे थोड़ा सा बाहर आना चाहते हैं। एक सबसे पहले आप लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्ड निकाल लेते हैं कि इस रिश्ते के लिए आप दोनों ही एक साथ क्या सोचते हैं। प्लीज इवेंट गाइड कीजिए एक्वेरियस और उनके पर्सन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है।
इज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया था, यानी कि चीजें स्मूथ जा रही हैं। अब दोनों ही अब थोड़ा सा सीज फायर करने की कंडीशन में होंगे, स्टॉक एक दूसरे को कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर बात नहीं हो रही है, स्टॉक कर रहे हैं। अगर आमने सामने पढ़ रहे हैं तब भी आपस में अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। आप पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बात को कहने से चूकेंगे नहीं, लेकिन चूंकि ये रिवर्स में आया है तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप इस टाइम पे डाउन होते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, इसलिए मुझे विक्ट्री भी आपके पर्सन की तरफ से नजर आई है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है आपका लेवल कुछ टाइम में इस रिश्ते को लेके क्या होने वाला है, इस डिवाइन गाइड कीजिए। बेटर होगा, पेज ऑफ पेंटिकल है, आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा आ सकती है। आप इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए दोनों ही एक तरीके से काम कर सकते हैं। चीजें बेटर होती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है। टू ऑफ कप आ गया, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट अगेन आ गया आपका टू ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा डामाडोल मामला रखेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। बॉटम ऑफ द डेक आपका टेन ऑफ पेंटिकल का आया है। टू ऑफ कप आया है, आगे मुझे लगता है काफी बेहतर हो सकता है एक्वेरियस आपके साथ। ये भी हो सकता है आप एक दूसरे के साथ में मिलकर कोई काम भी करें। आप एक ऑफिस में भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कोई काम मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ मुझे काम काफी गहरे से आपके रिश्ते में नजर आ रहा है, आगे काफी मुझे बेस्ट नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप डामाडोल स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप मुझे किसी के साथ में, जो भी आपके पार्टनर हैं, काफी अच्छी एक कमिटमेंट मुझे नजर आ रही है। साथ के साथ में कमिटमेंट काम को लेकर भी आपकी हो सकती है। हो सकता है आप एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, एक बिजनेस में आप जाने की सोच रहे हो, या किसी भी तरीके का आप काम से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो, एक अच्छी बॉन्डिंग मुझे नजर आ रही है। और एक ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है जिसको आपको बैलेंस करना पड़े। यहाँ आप लोग मुझे बैलेंस करते हुए भी चीज़ों को नजर आ रहे हैं, खास तौर से पैसे से रिलेटेड मुद्दों को लेकर। किसी चीज़ का जैसे सोच भी मैच ना होना, कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पे आप दोनों की सोच मैच ना होती हो, तो या आप कुछ कह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ कह रहे हो, यानी कि डबल माइंडेड होते हुए आप मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहे हो। लेकिन मेरी तरफ से जो रीडिंग है ये पॉजिटिव रीडिंग है, ग्रोथ है आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स आया है जो कि ग्रोथ को दिखाता है, और यहाँ पे टू ऑफ कप भी आया है जो कि खुशी को दिखाता है, बॉन्डिंग को दिखाता है। साथ ही स्टार का कार्ड है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत से अच्छे मेजर चेंज को दिखाता है। एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की, उस ईश्वर की क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए, क्या गाइडेंस है आपकी। किंग ऑफ बेंड्स का कार्ड है, थोड़ा सा चीजों को रियलिस्टिक होके आपको सोचना पड़ेगा। ज्यादा दिल से मत चीजों को सोचिए, क्योंकि जब भी किसी सिचुएशन में आप फंसे होते हैं उससे निकलने के लिए आप दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसा काम हो जिसको करने के लिए आपका दिल गवाही ना दे कि नहीं मुझे नहीं करना है, बट वो करना जरूरी हो। तो किंग ऑफ वैंड्स यही बता रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचिए तो चीजें जो हैं वो ग्रोथ की तरफ आपकी डेफिनेटली जाएंगी। तो एक छोटी सी रीडिंग थी एक्वेरियस, कितनी मैच करी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों की कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी एक महीने के बाद मैं अपने ऑपरेशन से रिकवर करके ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपके कमेंट और भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और कुछ और टॉपिक हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी आप लिखिए नीचे। अगर मुझे लगता है कि उन टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आगे
अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है तो मेंटली प्रिपेयर होकर ही आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ऐसे टाइम खराब होता है आपका भी और हमारा भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें हौसला मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।